अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़रदा, जिसके लिए मैंने 1.5 किलो चावल, आधा लीटर दूध, 1.5 किलो चीनी, गिरी मेवा, छोटी इलायची और ज़रदा रंग चाहिए। पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। अब पानी में हम ज़रदा कलर ऐड कर लेंगे। ज़रदा रंग पानी में ऐड कर लेते हैं ताकि चावलों को यकजा कर लिया जाए और चावल हम फुल बॉइल नहीं करेंगे, थोड़े करनी पे रखेंगे ताकि बाद में इसको शीरे में पका सकें। देखें जैसा कि आप देख रहे हैं, पानी को अच्छी तरह जोश आ चुका है। अब इसमें हम अपने चावल जो हमने धो कर रखे हुए थे वो ऐड करेंगे। चावलों को भी कलर आ रहा है, देखे चावलों को जोश आ रहा है। इसी तरह हमने 4-5 जोश आने पे इनको नितार लेना है। नितारने से पहले आप अच्छी तरह चेक कर लें कि आपके चावल फुल बॉइल ना हुए, थोड़े कन्नी पे होंगे तो फिर आप इनको नितारना। अभी हमारे चावल थोड़े कच्चे हैं, थोड़ी देर और इनको 2-3 जोश आने दें, फिर इनको हम नितार लें। अब हमारे चावल बिल्कुल तैयार है, ये देखें। हम इनको नितार लेती हूँ टोकरी में और इसके बाद हम इसके लिए बनाएंगे चाशनी। ये देखें हमारे चावल, आपको कलर नजर आ रहा होगा। अब हमने इनको नितार लिया, अब हम इनके लिए बनाने जा रहे हैं चाशनी। अब मैंने ये बर्तन में ऑयल गर्म कर लिया। अब इसमें ऐड करूँगी मैं छोटी इलायची खुशबू के लिए, और अब इसमें जो है हमारी शुगर। शुगर के लिए हमें कंटिन्यूस खोलने लाना तो ये जम जाएगी। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। देखिए हमारी चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें हमने दूध ऐड करना है। ये देखिए, ये हमारी अच्छी तरह से शीरा तैयार हो रहा है। ये मैंने लो फ्लेम पे रखा है। ये देखिए चीनी ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जब ये थिक हो जाए तो फिर इसमें हमने चावल ऐड करने हैं। अभी ये देखिए हमारी चीनी अंदर मौजूद है, चीनी अच्छी तरह मिक्स करनी है नहीं तो मुंह में आएगी। देखें हमारे शीरे को अच्छी तरह से जोश आ रहा है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। देखें हमने जरदा रंग और चावल इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको अब ड्राई होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाते फिर हम इसको मेवा जार डाल के इसको दम पे रख देंगे 10-15 मिनट तक। जी ये देखें मेरे चावल, जैसे कि आप देख रहे हैं पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं अपने गिरी मेवा डाल के इसको हल्की आग पे दम के लिए रख दूँगी। ये जा रहा है मेरा मेवा और ये हमने डाली गिरी, ये हमने दम पे ही डालनी है। वैसे हम डालेंगे तो ये अंदर बिल्कुल घुल मिल जाएगी और इसका टेस्ट नहीं आएगा, फूट जाएगी। अब हम इसको हल्की दम आग पे 10-15 मिनट दम रख देंगे। 10-15 मिनट हो गए हैं, अब मैं दम खोल के आपको चावल चेक करवाती हूँ। वाह माशाल्लाह, अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी देखें हमारा मज़ेदार जरदा तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करें और इन्जॉय करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।